cineinc.com. नमस्कार, आदाब। मेरा नाम परवेज आलम है और मेरे साथ मौजूद हैं संजय हजारिका, जो कि कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के डायरेक्टर हैं, इंटरनेशनल डायरेक्टर हैं, और कॉमनवेल्थ की जो गवर्नमेंट्स मीट है उस सिलसिले में यहाँ मौजूद हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ मुझे पता है कि हो रही हैं। ये किस तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो आपने प्लान किए हैं कॉमनवेल्थ समिट के दौरान? CHRI ने करीब 5 पब्लिक इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर चुके हैं या कर रहे हैं अगले दिनों में। एक है आपका प्री ट्रायल डिटेंशन, ये पब्लिक पैनल है कल, कि वो जो कैदी हैं जेलों में सड़ रहे हैं, मर रहे हैं और उनकी सुनवाई नहीं होती, ट्रायल तक नहीं होता। तो जो मतलब फंसते रहते हैं और उनकी कोई आशा नहीं रहते हैं कि कैसे वो वहाँ से निकले, उनकी स्थिति हम थोड़ा डिस्कस करना चाहते हैं। वो एक लॉ फर्म की जगह में होंगे। फिर 2-3 और बड़े प्रोग्राम हैं। एक हमारी जो इंटरनेशनल रिपोर्ट है ऑन 8.7 SDG 8.7, ये इसकी रिलीज होंगे कार्य सत्यार्थी। ये मैं थोड़ा सा समझ लेता हूँ, SDG आपने कहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8.7, ये है आपकी वो रिपोर्ट जिसको आप लॉन्च कर रहे हैं, तो ज़रा सा बताएंगे कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है क्या चीज़? ये जैसे आप जानते हैं UN ने 2-3 साल पहले ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हर देशों के लिए एक गोल सेट किया और उसमें है 169 इंडिकेटर्स फॉर ऑल दीज मेनी गोल्स, और वो आपका एक्सेस टू जस्टिस के ऊपर होते हैं, फ्रीडम ऑफ मीडिया के ऊपर है, आपकी द राइट्स ऑफ द असेंबलीज, द राइट्स ऑफ पीपल फॉर एक्सेस टू जस्टिस, द नीड फॉर क्लीन फैसिलिटीज एंड ड्रिंकिंग वाटर, ये सैनिटेशन वगैरह बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं। उसको ये भी कह देते हैं कि कम से कुछ चीज़ें उसमें ये भी हैं कि जैसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, जो मॉडर्न डे स्लेवरी है, जो गुलामी है कि बच्चे आज भी लगे हुए हैं, और बच्चे क्या इंसान, बच्चे इंसान हैं, औरत हैं, सभी लोग होते हैं, तो बॉन्डेड लेबर की स्थिति है। तो 8.7 उस माहौल में पड़ते हैं, जैसे ट्रैफिकिंग, अब्यूज, सेक्सुअल वायलेंस एंड बॉन्डेड लेबर, और चाइल्ड सोल्जर्स की बात भी होते हैं इसमें। आप पत्रकार हैं, एक ज़माने में न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए आपने रिपोर्टिंग की है भारत से, और जैसे कहते हैं ना, ज़िंदगी निकल गई आपकी पत्रकारिता पढ़ाने में और ह्यूमन राइट्स के काम करने में। नॉर्थ ईस्ट में आपने इतना ज़बरदस्त काम किया, आपकी बहुत सारी किताबें हैं इन सारे विषयों पर, मैं आपको क्या समझाऊंगा, लेकिन फिर भी 2 सवाल ज़रूर आपसे जानना चाहूंगा उनके जवाब। ये रिपोर्टें बनती हैं, गवर्नमेंट के हेड्स आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ऐश करते हैं, टोस्ट चलता है, महारानी यहाँ पे सबको बुलाएंगी और किस्सा ख़त्म हो जाता है। आप तो ये ड्रामा जैसे कहते हैं ना, एक लंबे अरसे से देख रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा होता है? ये जैसे आप कह रहे हैं ये रिपोर्ट हम लॉन्च करेंगे, ये होगा वो होगा, ये तो देखिए सरकारी लोग जो करते हैं, जो मतलब आपकी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट आएंगे, ऐश करेंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन सर्टनली टोस्ट तो करेंगे, टोस्ट तो होगा महारानी के यहाँ, बताइए ऐश नहीं करेंगे तो क्या? बकिंगम पैलेस में भी होगा, आप भी शायद मौजूद होंगे रिसेप्शन में, लेकिन हमारी किस्मत। बट एक चीज़ है, जो ग्राउंड में काम करते हैं, जो इन्वॉल्व्ड है ये सब इश्यूज लेके, उनकी मतलब एक दूसरी अप्रोच है, कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, चैलेंजिंग इंस्टीट्यूशंस, चैलेंजिंग सरकार टू व्हाट इज द डू यू कॉल इट द गोल ऑफ दीज SDGs। और ये तो हम 1-2 दिन के लिए काम नहीं, ये तो हम बहुत सालों से हम काम कर रहे हैं, CHRI हो या मगर मैं ये एक जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग नहीं जो ये जानना चाह रहे हैं कि इससे कैसे हासिल करते हैं आप? ये लोग आएंगे, हाँ ये जो रिपोर्ट है वो एडवोकेसी डॉक्यूमेंट जैसे होंगे,
जब हम वापस अपने देश में जाएंगे उनको ये पार्लियामेंट में सबमिट होगा, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को दिया जाएंगे, स्टेट असेंबलीज को दिया जाएंगे, मीडिया को दिया जाएंगे और दूसरी CSO और नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस को दिया जाएंगे, जबकि एटलीस्ट एक स्ट्रक्चर है जिसमें हम वी कैन होल्ड गवर्नमेंट्स एंड देयर इंस्टीट्यूशंस टू अकाउंट। एक आम आदमी के हवाले से मैं सवाल कर रहा हूँ, जो भी आम आदमी हो पाकिस्तान में, भारत में, ख़ासतौर पर वो जो मेरी और आपकी भाषा इस वक्त समझ रहा है, वो ये भी जानना चाहता है कि देखिए भारत में इस वक्त इतनी ज़बरदस्त डिबेट हो रही है, कई बच्चों का रेप हुआ, पॉलिटिशियंस की उसमें इतनी इंसेंसिटिविटी कि जैसे असंवेदनशील बिल्कुल हो जाते हैं, पत्थर का दिल उनका ऐसा हो गया कि पता चला कि जिसके साथ में रेप हुआ और उसी के बारे में कह रहे हैं साहब उसका टेस्ट कराइए और वो गलत है, और दस चीज़ें मतलब जो निकल गए हैं, जो एलिगेशंस हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बड़े और गंभीर एलिगेशंस हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो साबित हो गया, लेकिन ये कि ऐसा लगता है जैसे कि कोई संजीदगी से ले नहीं रहा इन सारी चीज़ों को, मतलब ना सरकार एक लेवल पे संजीदगी से ले रही है, ना ही पॉलिटिकल पार्टियों को इस बात का अंदाज़ा है कि आम जनता का खून किस कदर खौल रहा है इस वक्त, और ये हो रहा है। और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि वो लोग भी ये कहेंगे, देखिए संजय हजारिका साहब जो है वो इस वक्त लंदन में, और परवेज आलम भी लंदन में बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स पे, लेकिन ये कि एक बार भी इन चीज़ों का जिक्र नहीं हुआ। हमारा काम तो जैसे आप जानते हैं, हमारे काम तो भारत में है, साउथ एशिया में है, आपका है काम, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो यहाँ आते हैं उनके अपने देश में काम करते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी अगर आप मुझे थोड़ा सा बता सकें कि आज क्या वजह है कि अपने जो देश हैं, ख़ासतौर पर साउथ एशिया की बात कर रहा हूँ, भारत पाकिस्तान, यहाँ आज भी हम ह्यूमन राइट्स के जो मानवाधिकारों के, इंसानी हकूक के जो बुनियादी मसाइल हैं उन्हीं में उलझे हुए हैं। मतलब क्या हम इंस्टीट्यूशंस डेवलप नहीं कर पा रहे, या पुलिस या गवर्नमेंट, या कहीं नेक्सस है, या कहीं एक दूसरे क्या है, मतलब थोड़ा सा ज़रा समझाइए दो तीन चीज़ें। देखिए जैसे ये क्रिमिनल क्राइम्स जो है अगेंस्ट वीमेन चिल्ड्रन ये जो बढ़ रहा है, मेरे ख्याल से ये दिखाई दे रहा है कि बढ़ रहा है क्योंकि रिपोर्टिंग भी ज़्यादा हो रहा है आजकल के ज़माने में, सोशल मीडिया है या फैसिलिटीज है, सबके पास एक फ़ोन है, जैसे ये इतनी सोफिस्टिकेटेड नहीं होगा लेकिन सबके पास कुछ एक्सेस है, एक तो वो है। सेकेंडली जो है, जो न्याय है, नीति और न्याय, उसमें धक्का या प्रेशर पड़ता है क्योंकि जो न्याय अपहोल्ड करते हैं वो भी शामिल होते हैं सब में, यू नो। सो आई थिंक द फैक्ट इज़ दैट इट इज़ नॉट, जैसे पुलिस को कहते हैं पुलिस इज़ अ फोर्स, बट पुलिस इज़ एक्चुअली अ सर्विस, वो कम्युनिटी के लिए देखना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सालों से ये द पुलिस इज़ अ फोर्स टू प्रोटेक्ट द अथॉरिटी, और मेरे ख्याल से इसमें एक मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर हम सोचते हैं अथॉरिटी को प्रोटेक्ट करना है या अपहोल्ड करना है तो सर्विस कब होगा, यू स्पेंडिंग योर टाइम। मैं समझ गया आपकी बात, पर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये ऐसा क्यों है कि इंस्टीट्यूशंस मजबूत नहीं हो पाए, क्या वजह क्या है इसकी? ये तो कॉलोनियल सिस्टम है ना, ये इनका है, ये जो कॉलोनियल आपके पीछे है ये हमें देखे, हमें चारों तरफ है, सिर्फ पीछे भी नहीं है। ये कानून आपकी 19th सेंचुरी की है, पुलिस एक्ट, प्रिजंस एक्ट, ये सारे कम्युनिकेशंस एक्ट जो भारत में, पाकिस्तान में, कीनिया में, खाना में, सारे 100-150 साल पुरानी कानून से हम हमारे हमारी ये कहूँगा, आम आदमी कहेगा कानून भी नए 50 बन गए हैं, सो व्हाट, क्या कर सकते हैं आप खासतौर से भारत पाकिस्तान में, ये जो बेसिक रात दिन के इश्यूज हैं, इंस्टीट्यूशंस को मजबूत होना चाहिए, लॉज आप कह रहे हैं लॉज तो बदल गए, नए भी आ गए काफ़ी, मतलब कहाँ है फेलियर? फेलियर पूरी सिस्टमिक फेलियर है और सोसाइटल फेलियर है, क्योंकि हम ये नहीं कर पा रहे, वी आर अनेबल टू मोबिलाइज इनफ सपोर्ट, लोग डरते हैं, या इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग नहीं है, और इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग नहीं है क्योंकि लोग जो इंस्टीट्यूशंस में हैं वो स्ट्रांग नहीं है। सो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, अगर हम सोचते हैं कि 10 साल में या 20 साल में ख़त्म कर लेंगे, आपके SDG गोल्स जो है वो कहते हैं 2030 में इसकी सारी एलिमिनेशन, इक्वालिटी, इनइक्वालिटी और इंजस्टिस ये खत्म कर देंगे। संजय हजारिका, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन होता है, मानवाधिकारों का हनन और इंसानी हकूक की पामाली,
उसको रोकने के लिए वो क्या कर सकते हैं? एक तो यह है कि आसपास में जुल्म ना हो, वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये कि अगर वो संस्थागत रूप से एक इंस्टीट्यूशनल तरीके से कुछ काम करना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं, अपने मुल्कों में कैसे प्रेशर डाल सकते हैं जहाँ बात बने? हमने देखा कि मैं सिर्फ एक या दो चीज़ के बारे में बात करूँगा जो पब्लिक के हाथ में है, और कॉमनवेल्थ, सिंस हम कॉमनवेल्थ देशों की बात कर रहे हैं, मोस्ट कॉमनवेल्थ कंट्रीज इसमें राइट टू इंफॉर्मेशन है। किसी देशों में स्ट्रॉन्ग है, किसी देशों प्रैक्टिस जो है फाइलिंग ऑफ आरटीआई, जैसे भारत में जिसको आरटीआई बोलते हैं, आरटीआई बोलते हैं, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। और मेरे ख्याल से उस माध्यम से अगर हम फाइल करें और प्रेशर डालें कोलैबोरेटिवली, यू नो, अलग अलग ग्रुपों के साथ, मतलब आप ये समझते हैं कि जहाँ आरटीआई नहीं है जिन देशों में, वहाँ पे आरटीआई के लिए और आरटीआई को और ज़्यादा इफेक्टिव और नहीं प्रभाव जो जो आरटीआई प्रोसेस है उसको हम इस्तेमाल करें, वो हुकूक हैं, हक है, और ऐसे ही सिस्टम को जो जब सिस्टम को यूज किया जाता है, मैं समझ तभी वो आरटीआई बहुत अच्छी चीज़ है, वो एक चीज़ है। ओके, सेकेंडली अपनी आवाज़ उठाइए, you know, and do that with the media, with your collaborators, and with other groups. आप अलग अलग groups होते हैं, और सरकार हो या माफिया group हो, वो तो चाहते हैं कि गुट अलग अलग हो, लेकिन इकट्ठा जब लोग आते हैं तभी ये डिमांड। दो बातें हुई, तीसरी बात मेरे ख्याल से तो जो हम कहते हैं अकाउंटेबिलिटी, सरकार को अकाउंटेबिलिटी की बात करना चाहिए, इंगेज करना चाहिए। CHRI के डायरेक्टर बनने से पहले आप एक मशहूर एक्टिविस्ट थे, ह्यूमन राइट्स के लिए आपने कैंपेन किया, नॉर्थ ईस्ट में कैंपेन किया, एफ्सपा जो लॉ है उसको हटाने के लिए, हाँ, कुछ उम्मीद वहाँ पे कुछ निकली इतने साल कैंपेन करने के बाद में, क्या हुआ? मायूसी नहीं होती आपको? नहीं, मुझे बिल्कुल मायूसी नहीं होती, क्योंकि मैं तो इसमें लगा हूँ और बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्ट देते हैं। नहीं, मतलब कानून तो है वो नॉर्थ ईस्ट में, कानून तो है, लोग परेशान रहते हैं, आए दिन शिकायत करते हैं, लेकिन उसको कम इस्तेमाल होते हैं ना। अभी अगर भारत सरकार उसको उठाते नहीं है, ऐसे नहीं है कि वो इट्स बीइंग यूज्ड इन द वे इट यूज्ड टू बी यूज्ड, मतलब अभी तो कुछ चेक्स हैं। पर क्या होना चाहिए, उसका हटना चाहिए? वो तो हटना चाहिए मेरे ख्याल से, वो तो मैं पहले से बोल रहा हूँ कि उसको कहाँ से हटना चाहिए, एक स्टेट से, सबसे? नहीं नहीं, सबसे मेरे ख्याल से जहाँ शुरुआत हुआ था नॉर्थ ईस्ट में, पहले वहाँ से वहाँ करें, और जम्मू कश्मीर, इसलिए कि वो बड़े सेंसिटिव मामला है कि ह्यूमन राइट्स कैंपेनर्स भी नॉर्थ ईस्ट की बात करते करते फिर जम्मू कश्मीर की जब बात आती है तो खामोश हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर में एक चीज़ है, विच इज़ दैट यू हैव टू, it is a different law in Jammu and Kashmir, and that's why that engagement has to be different. Nee, magar, but on the question of rights, on the question of rights, there can be no compromise. Nee, kya ho nahi, matlab Jammu Kashmir mein aap kya keh rahe hain, main abhi bhi nahi samjha ki jo bhi violation hota hai, raat din sunne ki khabrein aati hain पुलिस की तरफ से भी, फौज की तरफ से भी। पुलिस तो आफ्सपा में वो कवर, उसको प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, सिर्फ फौज को ही मिलता है, फौज को मिलता है। और मेरे ख्याल से सी कंडीशंस जो है नॉर्थ ईस्ट में वो जम्मू एंड कश्मीर से कम्प्लीटली, उसमें बहुत फ़र्क है। क्या फर्क है, जैसे क्योंकि मतलब ज़्यादा है, कम है? बहुत कम है ना, प्रेशर पॉइंट्स जो है, स्केल ऑफ वायलेंस जो है नॉर्थ ईस्ट में जो था 50s, 60s, 70s, 80s, up to 2000 बहुत कम हो गया। ओके, मतलब आप ये कह रहे हैं कश्मीर में स्थिति गंभीर है? कश्मीर में जो स्थिति है वो गंभीर है, और मेरे ख्याल से हम सब चाहते हैं कि उसका सुझाव डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हो और थ्रू प्रोसेसेस विच आर नॉट वायलेंट, and people need to understand that the government, मतलब लोगों की समझ में आना जरूरी है, सरकारों की समझ में भी आना जरूरी है, दोनों की साइड से जरूरी है ना, it's not just one sided, and as far as ये जो है आपकी आफ्सपा, मेरे ख्याल से कहीं पे भी ऐसा कानून नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट नीड्स टू बी, you need to have equality among all people, you cannot have some people above the law and other people under the law. Yehi mera. Sanjoy Hazarika, bahut bahut shukriya.
Thank you very much. Thank you. All the best. All the best. And all the best to you. Thank you. CineInc.com.